हेलो एवरीवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बॉय एंड द ड्रम ओके सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक लड़के के बारे में ठीक है और एक ड्रम के बारे में कि ये लड़का एक ड्रम को पाने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है ओके okay? ड्रम क्या होता है बेसिकली ड्रम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन से अ पुअर अ सन यानी एक गरीब औरत थी उसका एक बेटा था सी कुकड एंड क्लीन द होम्स ऑफ वेल्दी पीपल यानी वो जो गरीब औरत थी वो बड़े लोगों के घर में खाना बनाती थी और उनके कपड़े धोती थी हुवस हर सम ग्रेन इन रिटर्न और वो जो बड़े लोग होते थे जो धनी लोग होते थे उस औरत को जब इतना काम करती थी तो उसके बदले वो लोग क्या करते थे कुछ अनाज देते थे सी फिट बैड वह बहुत बुरा महसूस करती थी बिकॉज सी कुड नेवर अफोर्ड टू बाई नाइस और लवली टॉयज फॉर हर सन क्योंकि वह काफी बुरा महसूस करती थी इसलिए कि वह अपने बेटों के लिए या अपने बेटे के लिए क्या करती थी खिलौने ना ही नए कपड़े खरीद सकती थी बट द लिटिल लाइट वॉज ब्राइट एंड चेयरफुल जो इसका छोटा सा लड़का था काफी अच्छा लड़का था और काफी खुशभिजात लड़का था ठीक है नॉट हैविंग एनी टॉयस और नाइस clothes डिन नॉट bother हिम ठीक है यानी ना ही उसके पास नए कपड़े होते थे ना ही उसके पास नए खिलौने होते थे इसके बावजूद भी वो हो, क्या होता था काफ़ी खुश हमेशा रहता था सो यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में बातें की गई है कैरेक्टर मीन्स के होता है कि इस चैप्टर में किस कौन कौन से लोग क्या होंगे अपियर होंगे या कौन कौन से लोग इस, इस चैप्टर में मिलेंगे तो पहला है इसमें इस, इस कैरेक्टर में इस चैप्टर में क्या हो? कौन होती है मदर होती हैं एक लड़का रहता है एक बूढ़ा आदमी रहता है और एक पॉटर वाइफ पॉटर वाइफ मतलब क्या होता है कुम्हार की पत्नी ठीक है वाशरमैन एंड हिज वाइफ यानी इसमें मिलेंगे जो धोबी रहते हैं जो कपड़े साफ करते हैं वाशरमैन और उसकी पत्नी ठीक है विद मैन विद हॉर्स यानी एक आदमी उस लड़के से मिलेगा जो एक घोड़े पर बैठा रहेगा ब्राइड ग्रूम ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा एक मिलेगा ठीक है एंड हिज फादर वेडिंग पार्टी एंड बैंड म्यूजिशियंस ड्रामर ठीक है यानी इतने जो लोग हैं इस चैप्टर में उस लड़के से मिलने वाले हैं बारी बारी से ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दिया गया है सीन तो सीन ठीक है तो से स्टार्ट करते हैं मदर यानी उस, है, उस लड़के की मम्मी कहती है कैन आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट लिटिल वन यानी बाबू या बच्चे मैं तुम्हारे लिए मार्केट से क्या लाऊ बोय बोलता है अड्रम यानी एक ड्रम लेके आओ ड्रम क्या होता है यानी एक ढोलक होता है ठीक है जो उसको बजाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रम ठीक है तो उसके मम्मी उस लड़के के मम्मी पूछते हैं कि बाबू या तुम्हारे लिए मैं मार्केट से क्या लेकर आऊँ तो वो लड़का कहता है कि मम्मी मुझे ड्रम चाहिए ठीक है आई वुड लव हैव अ ड्रम टू प्ले विथ मुझे ड्रम बजाना काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा लड़का कहता है अपने मम्मी से ठीक है नरेटर नरेटर कौन है जो इस स्टोरी को बता रहा है या जो इस स्टोरी को लिखा है उसको हम बोलते हैं नरेटर ठीक है तो नरेटर बोल रहा है द मदर न्यू सी वुड नेवर हैव इनफ मनी टू बाई अ ड्रम फॉर हर सन यानी उस लड़के की मम्मी जानती थी कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे एक ड्रम खरीद सकूं अपने बेटे के लिए है सो इसलिए वेन सी सा नाइस पीस ऑफ वुड ऑन द रोड सी पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम यानी जब उस लड़के की मम्मी एक गिरे हुए लकड़ी को देखती है तो उसको रोड के किनारे से उठा लाती है और उसको घर पे लेकर चली जाती है द सन डिड नॉट नो जो उसका लड़का था वो नहीं जानता था व्हाट टू डू विद द पीस ऑफ वूड कि वो उस लकड़ी के जो पीस था उसके साथ क्या करें एट फिर भी ही हैप्पली इट विद हिम लेकिन वो खुशीपूर्वक उस लकड़ी को क्या करता है उसके साथ खेलता है और उसको उठा लेता है वेंट सी वेंट आउट टू प्ले जब वो लड़का मतलब खेलने जाता है बाहर अ हैप्पी सॉन्ग स्प्रैंग टू हिज लिप्स यानी उसके पर एक अच्छे से गाना क्या हो रहा था वो लड़का गुनगुना रहा था ठीक है एंड वेंट अलोंग सिंगिंग इट और वो गाते ही जा रहा था रास्ते में ठीक मतलब है मतलब ऐसे नहीं करते हैं सब लोग गुनगुनाते हैं तो इसी तरह लड़का गुनगुना रहा था अपने मन में ठीक है टुम टी टी टुम टी 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 टे तो ठीक है इसी तरह से वो गुनगुनाता हुआ उस लकड़ी के पीस के साथ वो लड़का गाते हुए जाता है एक रास्ते से ठीक है सो आई फॉर ए ड्रम एंड लुक वॉट आई गॉट यानी वो अपने आप से कहता है कि मैं मम्मी के लिए मम्मी से कहा था एक ड्रम खरीदने के लिए लेकिन मतलब देखो मुझे क्या मिला है अ लवली पीस ऑफ वूड मुझे क्या मिला है एक प्यारा सा लकड़ी का टुकड़ा आई या फोर अ ड्रम आई लुक वॉट आई गॉट यानी मैंने अपने मम्मी से कहा था एक ड्रम खरीदने के लिए लेकिन देखो मुझे क्या मिला है आई थिंक माई लक इज गुड मेरे ख्याल से मेरे जो भाग्य है काफी अच्छा है टी 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 इसी तरह से वह गुनगुनाता हुआ रास्ते पर कूदते खेलते हुए जाता है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे सीन में सीन नंबर टू नरेटर ठीक है क्या बताता है नरेटर आज द बॉय वेट स्कीपिंग अलॉन्ग हिज ऑन हिज वे जैसे ही वो बच्चा वहां से अपने रास्ते से जा रहा था ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन वो किसके पास आया एक बूढ़े आदमी के पास आया ठीक है द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू ट्राइंग विदाउट सक्सेस टू लाइट यूजिंग कम डंग केक ठीक है यानी जो वो बूढ़ा था वो क्या करना चाह रहा था वो एक आग जलाना चाह रहा था गाय के गोबर से ठीक है डंग से ओके देर वॉज स्मोक और राउंड यानी जब वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था वो बूढ़ा आदमी तो वहां पर चारों तरफ क्या हुए थे धुएं फैले हुए थे मेकिंग हिम कॉफ और जो धुएं थे उससे वो बुढ़ा द लिटिल बॉय रन टू हिम और वो छोटा लड़का जब उस बुढ़े को देखता है तो दौड़ते हुए उसके तरफ जाता है बॉय यानी लड़का कहता है वॉट इज द मैटर ग्रैंड पा दादाजी क्या मैटर है यानी क्या हुआ है कैन आई हेल्प यू इन एनी वे क्या मैं किसी तरीके से आपका हेल्प कर सकता हूँ यानी सहायता कर सकता हूँ ऐसा पूछता है लड़का उस बूढ़े आदमी से इसके बाद से क्या होता है ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है अह लिटिल वन आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड मैं क्या कर रहा हूँ मैं कुछ भोजन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट लेकिन आई एम अनएबल टू स्टार्ट द फायर लेकिन मैं आग जला जलाने में असमर्थ हूँ या मैं आग को नहीं जला पा रहा हूँ फोर यू सी यानी आप देखो माई फायर विल जस्ट नॉट स्टार्ट आई नीड कुक और टेक अ लुक इसके बाद बूढ़ा कहता है कि माई फायर विल जस्ट नॉट स्टार्ट मैं आग लगा रहा हूं लेकिन आग क्या हो रहा है नहीं जल रहा है आई नीड टू कुक यानी मुझे खाने बनाने की जरूरत है ओ टेक अ लुक यानी यहाँ पर देखो माई फायर विल नेवर स्टार्ट कैन समबडी स्टार्ट दिस फायर यानी जो मेरी आग है जो मैं चूल्हे को जला रहा हूँ वो नहीं जल रहा है क्या कोई मेरा मदद कर सकता है माई आई आर रेड माई आर्म्स आर टायर्ड मेरी आंखें जो हैं धुएं से लाल हो गई है एंड माई आर्म्स आर टायर्ड और मेरे जो हाथ है वो क्या हो गए काफ़ी देरी से उस आग को जलाते जलाते थक गया है आई नीड टू ईट मुझे खाने की ज़रूरत है आई नीड सम फूड मुझे कुछ भोजन की जरूरत है ओ oh, फार फोर अ ड्राई पीस ऑफ वूड यानी एक फोर अ ड्राई पीस ऑफ वूड यानी एक कहता है कि फोर अ ड्राई पीस ऑफ वूड मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा ठीक है लड़का कहता है कि दादाजी आप इस लकड़ी का यूज करके इस चूल्हे में आग जला सकते हैं इसके बाद से नरेटर बोलता है द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लेस्ड इसके बाद जैसे ही लड़का कहता है कि दादाजी ठीक है ये मेरा जो लकड़ी है वो ले लीजिए और इसका यूज करके क्या करिए आप जला लीजिए अपने आप को ठीक है देन आफ्टर क्या होता है जब है जब ये बातें सुनता वो बूढ़ा आदमी तो काफी प्रसन्न हो जाता है ही लिट हिज फायर वो अपने आप को जला लेता है मेड सम ब्रेड एंड गिव अ पीस ऑफ द बॉय यानी वो क्या करता है एक रोटी बनाता है और उसमें से रोटी टूटकर उस लड़के को दे देता है खाने के लिए द बोय की लॉन्ग सिंगिंग हिज सॉन्ग्स यानी जो लड़का था वो गीत गाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था बोए यानी लड़का गा रहा था ला 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 माई पीस ऑफ फूड गॉड मी फूड यानी उसके बाद लड़का कहता है कि ओ मेरा जो लकड़ी का टुकड़ा है मुझे क्या दिलाए मुझे खाने के लिए एक रोटी दिलाया यानी खाना दिलाया माय लवली पीस ऑफ ब्रेड यानी मेरा सबसे प्यारा रोटी माय पीस ऑफ वुड इज नॉट अ ड्रम यानी मेरा जो पीस ऑफ वुड मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या एक तरह से ड्रम नहीं था बट इट गॉट मी ब्रेड लेकिन इसने मुझे रोटी देकर दी मतलब लोटी, रोटी लाकर दी ठीक है अ लवली पीस ऑफ ब्रेड ला 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 ऐसे ही गारा, गा, गाते हुए वो आगे बढ़ रहा था ठीक है तो सीन तीसरे थी सीन में क्या होता है नरेटर यानी जो स्टोरी बता रहा है ऑथर है द बॉय वॉकड ऑन यानी जो लड़का था वो ऐसे गाते हुए चलता जा रहा था रास्ते में ही मेट अ पॉटरस वाइफ विद वेलिंग बेबी इन हिज आर्म्स ठीक है यानी वो रास्ते में ज्यादा जाते हुए एक वाशरमैन की पत्नी से मिला मतलब पॉटर की पत्नी से मिला मतलब कुम्हार की एक पत्नी से मिला और उसका जो बच्चा था हाथ में वो रो रहा था ठीक है बॉय बोलता है डियर लेडी What इज योर बेबी क्राइंग Why इज योर बेबी क्राइंग इसके बाद से वो लड़का पूछता है कि डियर लेडी आपका लड़का क्यों रो रहा है तो पॉटर्स वॉय मतलब कुमार की पत्नी बोलती है माई लिटिल वन इज़ हैंगरी यानी जो मेरा छोटा सा बच्चा है वो भूखा है शी हैज नॉट हैड एनी थिंग्स टू सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से ही हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको खिलाने के लिए देअर इज़ नथिंग इन द हाउस यानी कुछ भी नहीं है घर में उसको खिलाने के लिए आई विश मैं आशा करती हूँ आई हैड सम ब्रेड टू गिव हर आई विश आई हैड सम ब्रेड टू गिव हर इसके बाद से लड़का कहता है कि चलो मुझे शायद इस रोटी के टुकड़े को इस बच्चे को दे देना चाहिए ठीक है इसके बाद से नरेटा बोलता है द काइंड हार्टेड बॉय गेव द लेडी हिज ब्रेड और इसके बाद से वो बच्चा जो होता है अपने हाथ में जो ब्रेड लिया रहता है इसको दे देता है और ये बच्चा छोटा सा खा लेता है उसको हम सी गेव इट टू द चाइल्ड इसके बाद से वह जैसे ही रोटी इसको देता है तो वह अपने बच्चे को खिला देती है रोटी हु एट इट इगर्ली एंड स्टॉप क्राइन इसके बाद से वो आराम से रोटी खा लेती है छोटी सी लड़की जो रहती है ठीक है रहता है और इसके बाद से रोना बंद हो जाता है उसका द उमन वॉज प्लीज विद द बॉय एंड गेव हिम अ लार्ज पॉट ठीक है इसके बाद से जो औरत थी वह काफ़ी प्रसन्न हो जाती है इस तरह से और इस लड़के को एक बड़ा सा घड़ा लाकर देती है ठीक है द बॉय वेंट अलॉन्ग हमिंग हिस्स फनी सॉन्ग इसके बाद वो लड़का गीत गाते हुए आगे बढ़ता जाता है बोय टुम टिम इसी तरह से मतलब गुनगुनाते हुए जाता है आई गेव माई ब्रेड अवे एंड लुक वॉट आई गॉट इसके बाद से कहता है कि मैंने रोटी एक एक लोगों को मैंने रोटी दिया देखो मैंने क्या पाया आई गेव माई ब्रेड अवे एंड गॉट द लवली पॉट मैंने एक बच्चे को रोटी दिया और मुझे उसके बदले एक बड़ा सा बर्तन मिला टुम टिमी टोट इसे ही गुनगुनाते हुए वो जाता है लड़का ठीक है सो इसके बाद सीन चार यानी सीन फोर में देखते हैं नरेटर बोलता है द लिटिल बॉय स्कीप अलॉन्ग अंटिल ही केम अपॉन स्ट्रेंज सीन एट द रिवर बैंक ठीक है यानी जो लड़का था वो जाते जाते एक जगह पहुंचा जहां पर एक नदी का किनारा था और वाशरमैन वॉश क्वारलिंग विद हिज वाइफ यानी एक धोबी था वो अपने पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था ठीक है बोए लड़का बोलता है डियर सर वाट व्हाट इज द मैटर यानी कि श्रीमान जी क्या हुआ है क्यों झगड़ा कर रहे हैं वाई आर यू वाई आर यू क्वारलिंग विद वाइफ आप अपने पत्नी के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं है? वाशरमैन बोलता है मीन्स जो धोबी रहता है वो कहता है यू सी सन इट्स वॉज लाइक दिस तुम देख रहे हो बेटा ये इसी तरह ही है वो हमेशा झगड़ा करती रहती है ठीक है आई गेव हर अ पॉट आई गेव हर अ पॉट एंड वट डिड सी डू यानी उसने कहा कि मैंने इसको एक घड़ा दिया ठीक है और देखो इसने क्या कर दिया आई गेव इट आई गेव हर अ पॉट इट कॉस्ट कॉस्ट लॉट यानी जो घड़ा मैंने इस आ, अपने वाइफ को दिया था वह काफी महंगा था सीवेंट एंड ब्रोक इट टू और वो अपने साथ ले गई और उस घड़े को वह तोड़ दी सी ब्रोक द पॉट द लॉस्ट माई द लास्ट ऑफ माई लॉट यानी मैंने उसने क्या किया घड़े को तोड़ दिया और मेरा क्या हुआ काफी नुकसान हुआ इससे आई एंड नाउ फील सोशोर और मैं काफी दुखी फील कर रहा हूँ इस समय आई गेव हर द पॉट द पॉट सी ब्रोक मैंने उसको एक खड़ा दिया और उस घड़े को उसने तोड़ दिया यानी धोबी की पत्नी उसको तोड़ दी गिरा कर ठीक है इसलिए उसका जो पति था उसको डांट रहा था द पॉट आई नीड टू बॉयल माई क्लॉथ यानी जो पॉट था मुझे काफ़ी ज़रूरी था लोगों के कपड़े बॉयल करने के लिए उसमें विदाउट द पॉट यानी बिना पॉट के यानी बिना घड़े के माई क्लॉथ विल रॉट यानी जो मेरे कपड़े हैं क्या हो जाएगा वैसे, वैसे वैसे रह जाएंगे यानी गंदे रह जाएंगे ओ दे विल रिमेन सोल्ट और वे गंदे ही रह जाएंगे ठीक है इसके बाद से क्या होता है सो यू सी आई हैव नथिंग टू बॉयल माई क्लॉथ इन बिफोर आई आई वॉज दिम एंड बिकॉज ऑफ माई ट्रेड विल सफर इसके बाद से वह कहता है आई हैव नथिंग टू बॉयल माई क्लॉथ इन बिफोर इसके बाद से वो वॉशलमैन कहता है मतलब धोबी कहता है कि मेरे पास और कुछ दूसरा बर्तन नहीं है कि जिससे मैं क्या कर सकूं उसमें कपड़े लोगों के बॉयल कर सकूं जिससे मेरा जो बिजनेस है काफ़ी डाउन हो जाएगा बॉय कहता है डियर सर डोंट क्वारल विद योर वाइफ प्लीज टेक दिस पॉट ऑफ माइंड एंड यूज इट इसके बाद से वो लड़का कहता है कि श्रीमान जी आप झगड़ा मत कीजिए अपनी पत्नी से ये मेरा घड़ा रख लीजिए इसके जगह और आप इसको यूज कीजिए नरेटर बोलता है द वॉशन मैन वॉज सो प्लेस दैट ही गिव द बॉय अ नाइस कोट इन रिटर्न इसके बाद जैसे ये लड़का घड़ा उस घड़ा उस वाशरमैन यानी धोबी को देता है तो वो धोबी खुश होकर इस लड़के को एक अच्छा सा कोट देता है ठीक है द बॉय रन अलॉन्ग सिंगिंग हिज फनी सॉन्ग्स और जब वो कोट देता है तो उस कोट को पहनकर वो बच्चा क्या करता है दौड़ते हुए गाते हुए अपने रास्ते में चलता है बॉय कहता है लड़का कहता है एज आई वॉक अलॉन्ग विद माई पॉट इन हैंड आई मेट अ वाशर मैन यानी जैसे ही मैं एक रास्ते से जा रहा था तो मुझसे एक धोबी मिला ठीक है हु गेम मी दिस कोट टू शो ग्रैंड यानी उसने मुझे एक कोट दिया सो सो फनी इंडीड हाँ सचमुच में काफ़ी फनी है पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड हैव वॉट दे नीड यानी जो लोग खोजते हैं कोट के लिए या कपड़े पहनने के लिए मेरे मेरे मतलब मुझे देखो मेरे पास क्या है इसके बाद सीन फाइव में क्या होता है नरेटर बोलता है द बॉय वॉक डॉन जो लड़का है वो अभी भी चलता ही जा रहा है ऑल द वाइल्ड एडमायरिंग हिज ग्रैंड कोट यानी अपने कोट की तारीफ करते हुए चलता ही जा रहा है रास्ते में ही कम टू ए ब्रिज वो एक पुल के पास पहुंचता है या एक ब्रिज के पास पहुंचता है अंधेर हिस्सा अ मैन विदाउट ए शर्ट और वहाँ पे एक आदमी को बिना शर्ट के वो देखता है सीवरिंग अ कोल्ड मतलब जाड़े में या ठंडी में कांपते हुए वो देखता है लड़का ठीक है ही सीम टू बी हॉट एंड वॉस मोर्निंग इन पैन ठीक है वो क्या दिख रहा था वो काफ़ी घायल दिख रहा था लग रहा था ऐसा कि उसको चोट लगी है और वो क्या कर रहा था मोर्निंग कर रहा था यानी दर्द से चिल्ला रहा था द बॉय रन अप टू द मैन इसके बाद से जो लड़का था वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है ठीक है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो जैसे ये लड़का देखता है इसको इस आदमी के पास जाता है और ये ठंड से क्या हो रहा था कांप रहा था क्योंकि ठंड का समय था ओके तो आइए जानते इस आदमी के साथ क्या हुआ था बॉय कहता, कहता है यानी लड़का कहता है यू सिम टू बी ब्लीडिंग यू सिम टू बी हार्ट यानी वो कहता है तुम तुम्हें तो मतलब खून बह रहा है तुम्हारा ठीक है और तुम काफी चोट ऐसा लग रहा है कि तुमको ज्यादा चोट लगी है आई एल ट्राई एंड गेट यू सम हेल्प चलो ठीक है मैं कुछ कोशिश करता हूँ और तुम्हारा हेल्प करता हूँ यू आर सो नीड अ कोट क्या तुमको तुमको भी कोट की जरूरत है हाउ डिड यू कम टू बी इन सच अ सॉरी स्टेट आप इस तरह से कैसे हुआ आपके साथ ठीक है ये लड़का इस तरह से उसको पूछता है तो वो आदमी जवाब देता है आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स इन हरे यानी मैं अपने घोड़े पर मतलब जल्दीबाजी में चढ़ रहा था आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी और मैं अपने घोड़े पर चढ़ कर सिटी यानी टाउन में या शहर में जाना चाहता था अ क्राउड ऑफ दे कम एंड गॉट में यानी एक चोरों का समूह आया मुझे पकड़ लिया दे गॉट मी डाउन और मुझे नीचे उतार दिया दे गॉट मी आउट और वहाँ से बाहर भगा दिया दे टुक माई पर्स गॉट ऑल माई मनी और उन्होंने चोरों ने मेरा पर्स ले लिया और मेरे पर्स में से जितने भी पैसे थे उन्होंने ले लिया ऐसा ये आदमी बात बात कर रहा है उस लड़के से ठीक है जो नंगे खड़ा है आई ट्राई टू पुट अप अ गुड फाइट मैं क्या कर सकता था मैं फाइट भी किया उनसे ठीक है बट दे बीट मी लेकिन उन्होंने मुझे पीट दिया दे बीट मी बैट मुझे उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया दे लेफ्ट मी इन अ उन्होंने मुझे पेन यानी दर्द में ही छोड़ दिया दे लेफ्ट मी हर्ट मुझे उन्होंने पीट कर यानी चोट पहुँचा कर छोड़ दिया दे टुक इट ऑल इवेन माई शर्ट और वो उन्होंने मेरे शर्ट तक नहीं छोड़े और शर्ट तक भी उन्होंने ले लिए यानी चुरा लिए इसके बाद एक लड़का कहता है वो कहता है यू नीड अ ग्रेटर देन माइन यानी शायद तुमको ये कोट मुझसे भी ज़्यादा जरूरी है प्लीज टेक दिस कोट कृपया करके इस कोट को ले लीजिए इट विल हेल्प यू कीप वॉम यानी ये आपकी सहायता करेगा गर्म रखने में क्योंकि ठंड का समय है अगर आप कोट नहीं पहनेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी नरेटर कहता है द मैन वॉज ट्रस्ट बाई द लैड्स कांडनेस यानी उस लड़के से वो उस आदमी का दिल क्या होता है छू जाता है उस दिल पर लग जाता है उसको ठीक है एक तरह से काफी काइंडनेस महसूस करता है दयालुता महसूस करता है वो अपने दिल में ही थैंक टू द बॉय एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ बिग फाइन हॉर्स ही हैड बीन राइडिंग ठीक है इसके बाद से वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और उस लड़के को एक क्या प्रेजेंट करता है एक बड़ा सा अच्छा सा घोड़ा क्या करता है उस लड़के को दे देता है ठीक है द बॉय इज वेरी हैप्पी वो लड़का जो था काफी हैप्पी था काफी खुश था एंड लेट द हॉर्स लॉन्ग और वो फिर से घोड़े के साथ जाना शुरू कर दिया ठीक है सिंगिंग सॉन्ग्स यानी अपने गीत गाते हुए फिर से उस घोड़े के साथ जाना शुरू कर देता है ठीक है so, सो क्या कहता है लड़का ओ सो फनी इन दीड पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आई दे नीट यानी मेरे पास जो चीज है कई लोगों की आवश्यकता होती है यानी एक 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 आदमी को क्या था जरूरी? एक shirt जरूरी था। जरूरी? जरूरी लेकिन उसके पास एक बड़ा सा, अच्छा सा अच्छा घोड़ा था आई गेव ही आदमी को अपना कोट दे दिया और देखो मुझे क्या मिला हिज बिग फाइन हॉर्सोर्स बिल्कुल मुझे एक बड़ा सा घोड़ा मिला hmm. एक अच्छा सा बड़ा सा घोड़ा मिला ठीक है तो सीन नंबर सिक्स में क्या होता है कहता है आई जी वॉकिंग विद हॉर्स जैसे वो लड़का अपने घोड़े के साथ जा रहा था द बॉय केम अपन अ लार्ज पार्टी ऑफ गैली ड्रेस पीपल ठीक है यानी एक ऐसे पार्टी के पास पहुंचा मतलब जहां पर ढेर सारे लोग थे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर दे वर पार्ट ऑफ अ बिग वेडिंग पार्टी वे किस किस चीज के पार्ट थे एक शादी का माहौल था यानी शादी में लोग जा रहे थे इकट्ठे होकर ठीक है क्राउड में होकर तो वहां पे वो देखता है लड़का कुछ लोग वहीं किनारे बैठे होते हुए रहते हैं ठीक है विद द ब्राइड ग्रूम ऑफ अ म्यूजिशियंस किसके साथ बैठे हुए रहते हैं दूल्हे के साथ बैठे हुए रहते हैं और जो बैंड वैंड बजाते हैं यानी जो बाजा बजाते हैं म्यूजिक बजाते हैं वो म्यूजिशियंस भी वहीं पर बैठे रहते हैं दे सीम्ड रेडी टू बी पार्ट ऑफ वेडिंग्स प्रिसेशंस वो जो सरमनी था वेडिंग का यानी शादी का जो समारोह था वो लोग रेडी दिख रहे थे वहां पे जाने के लिए बट लेकिन ऑल ऑफ देर सीटिंग अंडर अ ट्री लेकिन सब लोग क्या थे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे विद द लॉन्ग फेसेस मतलब एक सैडनेस मतलब एक अपने फेस पर दुखी मूड में वो लोग बैठे हुए थे द बॉय स्टॉप एंड ऑस देम वहाँ पर क्या होता है लड़का रुकता है और उन लोगों से पूछता है वाट हाइड अप सेट देम सो मच यानी आपको क्या हुआ है आप इस तरह से लोग क्यों हैं ऐसा लड़का पूछता है उन लोगों से ठीक है तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं वो लड़का यहाँ से जाता है गुजरता है तो सारे लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस ये दूल्हा है यहाँ पे बैठे रहते हैं सब ठीक है दुखी पूर्वक तो ग्रूम्स फादर मतलब दूल्हे के पिताजी कहते हैं यू सी तुम देख रहे हो सन इट्स लाइक दिस वी आर ऑल सेटअप टू गो इन अ वेडिंग प्रोसीजर्स हम लोग कहाँ जा रहे थे एक शादी समारोह में जा रहे थे बट वी नीड हॉर्स फॉर ग्रूम लेकिन हमें एक दूल्हे के लिए एक घोड़े की ज़रूरत है मैन हु यानी जो इस शादी में घोड़ा लाने वाला था लेकिन वह अभी तक उस घोड़े को नहीं लाया ठीक है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समय था वो बीत रहा है एंड द ग्रूम groom himself स्टेप अप टू द बॉय और यहाँ पर क्या होता है जो दूल्हा होता है खुद उस बच्चे के पास जाता है ठीक है देन आफ्टर क्या होता है ग्रूम यानी दुल्हा कहता है आई एम द ग्रूम यानी मैं दुल्हा हूँ वेटिंग टू सी माई ब्रेड ब्राइड ठीक है मैं अपने दुल्हन को देखने के लिए वेट कर रहा हूँ बट लेकिन आई एम स्टक इन हीयर लेकिन मैं यहाँ पर अटक गया हूँ जस्ट होपिंग फॉर अ राइड यानी किसके लिए अटक गया हूँ राइड करने के लिए मतलब एक घोड़े की सवारी करने के लिए आई जस्ट कांट गो देयर ऑन माई फीट और मैं बारात में यानी अपने दुल्हन के घर पैदल नहीं जा सकता हूँ माई हॉर्स इज लेट एंड सो इट्स इज़ द आवर यानी जो मेरी घोड़ी है यानि जो मेरा घोड़ा है आने वाला था वो काफ़ी लेट है ठीक है माई गेस्ट आर ऑल वेटिंग टू ईट जितने भी गेस्ट हैं जो पहले से पहुँच चुके हैं बारात में वो क्या है वेट कर रहे हैं खाने के लिए आई विल मिस माई वेडिंग फोर श्योर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अपने शादी को मिस कर दूँगा ऐसा लगता है सो यू सी वाट आई नीड राइट नाव इज हॉर्स यानी आप देख सकते हो कि मुझे क्या जरूरत है इस समय मुझे एक घोड़े की जरूरत है

दूल्हे को अपना घोड़ा ऑफर कर देता है मतलब दे देता है द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी इसके बाद से जैसे ही वह अपना घोड़ा उस दूल्हे को दे देता है तो दूल्हा जो होता है काफी खुशी हो जाता है एंड ही आज द बॉय और वो लड़के से पूछता है वाट इड ही गिव हिम एक्सचेंज और वो एक्सचेंज यानी उसके बदले में यानी उस घोड़े के बदले में उसको क्या दे सकता है द बॉय लुक्ड एट द म्यूजिशियंस एंड स्पॉटेड द ड्रमर्स इसके बाद से जैसे ही वो लड़का म्यूजिशियंस की तरफ देखता है और इशारा करता है एक ड्रम की तरह तरफ कि मुझे क्या चाहिए एक ड्रम चाहिए ठीक है क्योंकि पहले से ही उस लड़के को क्या चाहिए था एक ड्रम चाहिए था ठीक है तो लड़का कहता है आई स्टिच इन द टाइम सेव्स नाइन एंड वट इंड डिट सेव द डे वाट दिस स्प्लेंडेड हाउस ऑफ माइंड आई आल वन फ्रॉम यू इज द फाइन लिटिल ड्रम्स दैट यू प्ले ठीक है यानी मैंने आपको क्या किया हूँ आपका टाइम बचाया हूँ ठीक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम बचाया हूं तो इसके बदले मुझे क्या चाहिए मुझे एक ड्रम चाहिए जो वो इंसान या वो आदमी बजा रहा है ठीक है प्लीज मेक माई ड्रीम मेक माई ड्रीम कम ट्रू कृपया मेरा जो ड्रीम है यानी सपना है मेरा पूरा कीजिए मुझे वो ड्रम चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए वो लड़का कहता है दूल्हे से ठीक है इसके बाद से नरेटर कहता है द ग्रूम रिक्वेस्टेड अ ड्रमर टू हैंड ओवर हिज ड्रम टू द बॉय ठीक है इसके बाद से वो दूल्हा कहता है कि एक जो ड्रम बजाता था उसे कहता कि जो ढोलक है उस बच्चे को दे दो नोइंग ही वुड इजली गेट इनफ मनी टू बाई हिमसेल्फ न्यू ड्रेव ठीक है वो जानता था कि अगर वह अपने स्वयं उस ड्रम को खरीदे गए तो काफी पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे द ड्रमर विलिंगली इंगली गिव हिज ड्रम अवे इसके बाद से वो जो ड्रमर यानी जो ड्रम बजा रहा था वो क्या करता है अपने ड्रम को उस लड़के को दे देता है ठीक है देन आफ्टर क्या होता है द बोय रस्ट होम सिंगिंग हिज सॉन्ग्स एंड प्लेइंग हिज न्यू ड्रम्स इसके बाद वो लड़का दौड़ते हुए अपने घर जाता है और अपना गीत गाते हुए ठीक है और मतलब ड्रम को बजाते हुए ही कुड नॉट वेट टू टेल हिज मदर वह अब और वेट नहीं कर सकता था जो भी चीजें उसके साथ हुई थी किस किस तरह से वह ड्रम को पाया है ही नाउ हाउ सी हैड हेल्प हिम गेट हिज ड्रम यानी वो किस तरह से लोगों की सहायता किया है ड्रम को हासिल करने के लिए या पाने के लिए तो लड़का कहता है माई पीस ऑफ वुड डिड अ लॉट ऑफ वर्क यानी पहले पहले क्या हुआ था उस लड़के के साथ एक पीस ऑफ वुड यानी उसकी मम्मी होती है एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा देती हैं और उसके साथ वो जाते जाते कहाँ पहुँचता है आई गॉट माई ब्रेड एज फूड यानी जब वो लकड़ी का टुकड़ा का मतलब क्या पाता है वो भोजन पाता है माई पीस अ ब्रेड लेड नॉट यानि जो मेरा मतलब रोटी था वो बर्बाद नहीं हुआ बट गि मी अ लवली पॉट यानी जो रोटी था मुझे क्या दिलवाया एक अच्छा सा बर्तन दिलवाया बट माई पॉट गिव मी अ लवली कोट और जो वो बर्तन था बड़ी सी आ, मिट्टी का बर्तन था उसने क्या दिलवाया मुझे एक पॉट एक कोट दिलवाया ठीक है एक कपड़ा दिलवाया द कोट डिट हेल्प अडी मैन यानी एक जो कोट था एक काफ़ी uh, निधि मैंने मतलब तो आवश्यकताएं जिसको होती है उसको क्या थी काफ़ी जरूरत थी तो उसने क्या किया उसको दे दिया आई गेट मी बिग फाइन हॉर्स टू राइट इसके बाद जैसे ही वो अपने कपड़े को दूसरे आदमी को दे देता है उसके बदले उसे घोड़े मिल जाते हैं ठीक है विद द हॉर्स आई गेट अ ग्रूम हिज राइट ठीक है और यानी घोड़े के साथ मैंने क्या पाया एक दूल्हा जो था अपने दुल्हन के पास पहुंच जाता है ठीक है देन आफ्टर सो यू सी इट इज़ द सिंपल इंडिट अ लिटिल बीट एंड गिव एंड टेक यानी एक तरह से क्या है एक तरह से काफ़ी सचमुच में एक तरह से अद्भुत है अ लिटिल bit टू गिव एंड टेक ये क्या था एक तरह से हम किसी भी चीज़ को हेल्प कर, कर रहा है लड़का या किसी भी चीज़ को हेल्प कर रहा है तो उसके बदले क्या मिला है उसको उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है ठीक है जैसे कि पहले वो लकड़ी दिया उनकी मम्मी ने लकड़ी दिया इसको ठीक है इसके बाद ब्रेड पाया ब्रेड के बदले वो पॉट पाया ठीक है पॉट के बाद कोट पाया कोट के बाद है, क्या पाया हॉर्स पाया और हॉर्स के बाद क्या पाता है लास्ट में ड्रम पाता है क्योंकि इसका सपना होता है कि मुझे ड्रम चाहिए लेकिन उसकी जो मम्मी रहती है काफ़ी गरीब होती हैं और उसको ड्रम खरीद कर नहीं दे सकती थी इसीलिए वो क्या करता है वो ड्रम अपने चलाकी से अपने इंसानियत जो हेल्प करके लोगों से प्राप्त करता है ठीक है सो वेन यू मीट योर फ्रेंड्स टूडे ट्राई एंड मेक their डे यानी जब भी आप अपने दोस्त से मिलें तो उन उनमें क्या करें खुशियाँ बातें उनका हेल्प करें ठीक है सो so, यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो so मच